40 दिन बचे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले में एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जी 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर विधि विधान से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए आपको बताते हैं किस तरह से राम रामनगरी में तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य के उत्तरायण होने के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े विधि विधानों का शुभारंभ हो जाएगा। जो नियम है उसमें अन्नाधिवास, जलाधिवास, औषधि अधिवास, पुष्प अधिवास और ये सारी चीज उनमें रखा जाता है मूर्ति को, और उसी के अनुसार जिस जिनके जो कार्यक्रम है कि कितने अन्न में रखा जाए, किस में फूल पुष्प में रखा जाए, किस में जल में रखा जाए किस दिन, और किस दिन औषधि में रखा जाए इस दिन, और जितने भी कार्यक्रम कैसे किया जाए, ये सारे कार्य ये 4-5 दिन तो निश्चित है होंगे। अब आपको बता देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 5 दिनों तक किस दिन कौन सा विधि विधान सम्पन्न किया जाएगा। 17 जनवरी को अयोध्या में कलश यात्रा निकाली जाएगी, उसी के साथ रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण होगा। 18 जनवरी को मंडपम प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, गणपति और मातृ का पूजन होगा। साथ ही रामलला की मूर्ति का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। 19 जनवरी को खास विधि विधान से अग्नि स्थापन से अग्नि प्राकट्य होगा, नवग्रह स्थापना होगी, प्रधान स्थापना और होम किया जाएगा। 20 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर को 81 कलशों में इकट्ठा किए गए अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा। इसी दिन वास्तु शांति अनुष्ठान के साथ रामलला मंदिर की मूर्ति का अन्नाभिषेक भी होगा। इसी तरह 21 जनवरी को विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा। फिर रामलला की मूर्ति का सायाधिवास होगा और उसकी स्थापना की जाएगी। 22 जनवरी को मध्यम काल में मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। महापूजा के बाद प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का अक्षत डाला जाएगा और महापूजा होगी। ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए निर्विघ्नता के लिए उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। इन पूजाओं में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, पारायण है, मंत्रों के जप है, अधिकारी सब चलता रहेगा। कुल मिलाकर 15 जनवरी से लगातार रामनगरी में उत्सव का माहौल बना रहेगा। इसी दौरान श्रद्धालुओं का विघ्नम सैलाब अयोध्या में उमड़ने वाला है, जो रामलला की प्रतिमा के नगर भ्रमण में शामिल होगा। 17 तारीख को श्री भगवान का नगर भ्रमण होगा। वे अपने निर्माण स्थल से निकल करके मंदिर में जाते समय नगर परिक्रमा करेंगे, भ्रमण करेंगे और देवालयों का, मुख्य देवालयों का दर्शन करेंगे। नगर निर्माण के बाद रामलला की निर्धारित प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा और वहीं बाकी सारे विधि विधान पूरे किए जाएंगे। बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।